तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति ब्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को, जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उन सभी को तिलकुट्टा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है मेरा उद्यापन, तो मैंने जो मेहंदी है, देखो दोनों हाथों में मेहंदी लगवा ली है। ये देखो दोनों हाथों में मेहंदी लगाई। और अभी यहाँ पे करीब 2 बजे बाद में कहानी सुनते हैं फुलेरा में, तो मैं भी कहानी सुनूंगी। और मेरे जो मेहमान हैं वो भी आ गए सब, और कई कई अभी ट्रेन में हैं, कई आ रहे हैं। और 15 औरतें यहाँ पे करते हैं उद्यापन की। तो मैंने कुछ कपड़े इस तरह से रखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 15 औरतों के जो ब्लाउज पीस हैं वो हैं। और ये है जो मेरे ननद है उनका बेस है। अभी इसके ऊपर पैसे और ड्रेस, जो ननदोई जी हैं उनकी ड्रेस रखनी बाकी है अभी। और ये है इसके अंदर कोण, कोण है और चूड़ा है, बिंदी है और ब्लाउज पीस है। और एक एक रुपया ऐसे करके पूरे 15 ये करे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ खाने की तैयारी हो रही है वो, क्योंकि फिर हमने पूरा घर का खाना कर लिया। जो मेरे मेरी फैमिली है ससुराल की, उनका सबका हमने खाना कर लिया। अजमेर से मेरे चाचेर ससुर वो भी आ गए हैं, तो मिलते हैं आपको, मैं सबसे मिलवाती हूँ। यहाँ पे तैयारी हो रही है हलवे की। और ये मेरे देवर, और ये मेरे चाचा जी, ये मेरे चाचा जी हैं। और चाचा जी बहुत ऊंची पोस्ट पे रेलवे से रिटायर्ड है। रेल चाचा जी कौन सी, क्या पोस्ट थी, कौन सी? डिविजनल चीफ टिकट इंस्पेक्टर, डीसीटीआई। डीसीटीआई प्रोस्पेक्ट थे। और ये चाची जी हैं, एक बार हटो। हाँ, ये हमारे चाची जी हैं, और ये हमारे भाई साहब हैं, ये दो वर्कर है काम और ये दो वर्कर हैं काम करने वाले। सारा काम हमारे भाई साहब ने किया सारा, देखो ये। और इनके साथ में दो हेल्पर हैं, ये दोनों। एक हेल्पर अपनी बीवी को लेने गए हैं। इधर मटर है, इधर मटर छील रखे हैं। और ये टपोले बनेंगे इधर। और यहाँ पे हो रही है तैयारी कहानी सुनने की। तो ये कहानी सुनने की तैयारी हो गई। हमने लक्ष्मी जी और गणेश जी को बैठा दिया यहाँ पे। और ये हो गई मोली, ये चोपड़ा और ये आका हो गए। ये कलश भर दिया, और ये मेहंदी और जो क्या बोलते हैं काजल। तो अब इसके बाद कहानी सुनने के बाद भजन भी होंगे, तो आप बने रहना ब्लॉग के साथ। और ये चाची जी आ गए हैं, ढोलक भी लेके आए साथ में, ठीक है ना? चाची जी के जिम्मे पूरे भजन का, भजन का वार चाची जी के नाम आ गया, ठीक है ना? बढ़िया कराओ ना। बढ़िया कराओ। चलो तो ठीक है, अभी मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर बाद में। पर उसने भी मुट्ठा का बोल नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो शैतानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो सवा पांच घंटा की मुट्ठा चढ़ाऊंगी भगवान की। कहीं दूल्हा कहाँ चला गया? 2 दिन बाद वह लड़के को बनाने चला गया। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई सुखी सो गई। तभी थोड़ी देर में गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल पत्र क्यों किया देवरानी को? धन की विधन विभव दिया और मुझे पूरा पूरा दिया।
ये मैं काकेर सास है, ये भी काकेर सास है, ये भी काकेर सास है, ये सुनताई है आदि दोरानी आदि बहन, और ये अंजलि है, और ये पंडिताइन है, ये हमारे मंदिर की, और ये है, और ये मेरे ननद है, इनकी वजह से आज ये हो रहा है, इनकी वजह से होता है, और ये छुपके ही बैठ रही है, ये वही है बाबू जी, वही है, ये देख रही है, हाँ ये देख रही है, हाँ ये वही है बाबू जी, वही है, देख लो सब इनको ऐसे बोल रहे हैं, भला छुपके बैठ रही है, ये देख रही है, मैं छुपके बैठ जाऊँ तो कोई पहचानेगा नहीं मेरे को। ये छोटे छोटे दो प्यारे बच्चे हैं, हाँ ये छोटे छोटे दो प्यारे बच्चे हैं, अब अमिता जी कौन है, वो कौन है, लाइव मामी, चलो तो फाइनली हमारा चांद आ गया है, ये रहा हमारा चांद, देखो सामने दिख रहा है और जूम करें तो इसे धुंधला हो रहा है, हाँ ओरिजिनल चांद और ओरिजिनल चांद यहाँ खड़ा है, मुंह पे करो, मुंह पे उधर करो, मुंह पे करो फोन को, ओरिजिनल चांद, हाँ अब यू बोलना ये मेरा चांद, ये हमारा मत बोलना, ये मेरा चांद है जो मेरे मेत्र लाइट दिखा रहा है, और वो सभी दुनिया सबका चांद है, और ये सब भाभियां देखो हमने अर्घ भी दे लिया है, और देखो 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 इनका मुनिया है इधर से, ये रे, और ये अमिता जी, आज इनकी बदौलत हुआ सब काम है ना, ये तारा चाची कहाँ गई, वो नीचे गए क्या, और मैं कहाँ हूँ, मैं फिर यहाँ पे हूँ, दिख गई सबको चांदनी, हाँ चांद की चांदनी इधर है, चलो ठीक है अब खाना खाते हैं, ठीक है मिलते हैं, ऋषभ जयपुर।